subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेके, रिलायंस कैपिटल को लेके, रिलायंस इंफ्रा पावर, ये सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आप ये रिलायंस कम्युनिकेशन का देखते हैं तो बहुत ज्यादा गिरावट बन रहा है। और रिलायंस कैपिटल का कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपडेट दिया था। रिलायंस इंफ्रा में एक तेजी जो मतलब बना था, 150 के आसपास शेयर पहुंच गया था, उसके बाद स्टॉक अभी 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है। और वही बात करते हैं दोस्तों रिलायंस पावर, जहां पे एक जबरदस्त गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से एडीजी ग्रुप के शेयर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। एडीजी ग्रुप के शेयर्स को लेकर हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ऑनलाइन ग्रोसरी का आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, स्नैपसी करके आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर में, स्नैपसी, जिसका आपको मतलब हर एक प्रोडक्ट में कैशबुक प्रोवाइड करते हैं, कैशबैक प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और बढ़िया सा जो है डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। जरूर इसको डाउनलोड कीजिए दोस्तों, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। रेटिंग दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्रोडक्ट भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में जो गिरावट बन रही है, जो है मतलब ज्यादातर इन्वेस्टर जो है उसको लेके देखना शुरू करते हैं, उस स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब जो शेयर्स है एडीजी ग्रुप के, हर एक के बारे में इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने बताया कि ये सब शेयर्स एडीजी ग्रुप के जो है इन्वेस्ट अगर करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए एडीजी ग्रुप के कोई भी शेयर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इसमें रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर आपने शेयर लिया है एडीजी ग्रुप का, जबरदस्त रिटर्न भी दिया है। अभी यहाँ पे जिसने भी ज्यादा प्राइस में लेके रखा है, जैसे कि अगर बात करेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन का, अगर आपने 4.5 रुपए में लिया है तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर, 6 महीने के अंदर 38.89% का गिरावट दिखा। 1 मंथ के अंदर ये स्टॉक में 16.98% का गिरावट दिखा। 5 डेज के अंदर ये शेयर 6.38% का गिरावट बनाया, एंड 1 डे में 2.22% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। अभी बात करते हैं रिलायंस कैपिटल का। रिलायंस कैपिटल का दोस्तों LIC जो है उसके पास 3,000-4,000 करोड़ का कुछ तो बॉन्ड है रिलायंस कैपिटल का, वो बेचने के लिए कोशिश कर रहा है LIC। उसके पहले भी एक बार किया गया था, मतलब अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ खास जो है अभी तक उसमें रिलायंस कैपिटल के जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके अभी तक कुछ अपडेट नहीं देखने को मिला है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको डिले किया जा रहा है या फिर डेट जो है उसका एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट की ओर से आज पे जो है जो डेट दिया गया था जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का रेजोल्यूशन को लेके, उसको जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो है डिले हो रहा है, उसके चलते स्टॉक में भी गिरावट बन रहा है। अगर आप देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल के स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट कुछ दिन में देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे दोस्तों जो इस शेयर को बहुत ज्यादा प्राइस में खरीद के रखा रहेगा, रिलायंस कैपिटल को 60-70 रुपए में भी खरीद के रखा रहेगा। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। फिलहाल बीच में जो एक अपडेट आया था कि रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी होने वाला है, उसके बाद बहुत जबरदस्त तेजी रिलायंस कैपिटल में शेयर में जो देखने को मिला था। और जैसे ही उसमें अपडेट आया कि जो है उसको जो है डिले किया जा रहा है जो रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, और जैसे कि देखेंगे तो जो रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी में जो भी कंपनीज इसमें काम कर रहे हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, फिर भी यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं जिसके चलते डिले बनता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस कैपिटल के शेयर में भी अगर देखेंगे तो 15 रुपए के आसपास कुछ दिन पहले जो 15 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा था, अभी 12-12.5 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो दोस्तों आगे हम लोग और दो शेयर को लेकर देखेंगे एडीएजी शेयर का। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आप एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट का देख रहे हैं तो एंजल ब्रोकिंग जो कि बहुत ही बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एंजल ब्रोकिंग में बहुत ही सारे आपको जो है इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है।
और अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है इन लोगों का बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको आपका नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, और आपको जो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, उसके बाद आपको जो है सबमिट करना है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा बहुत ही इजी है, जहां पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जो लगता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वो आपको देना पड़ेगा। और उसमें क्या है, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं इंट्राडे एफएनओ के लिए और करेंसी कम्युनिटी के लिए, आपको जो है पर ऑर्डर 20 रुपीज यहाँ पे चार्ज होता है। एंड जो आपका इक्विटी रहता है डिलीवरी वगैरह उसमें जो है फ्री रहता है, उसमें कुछ अलग से आपको हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है। और एक चीज जो कि अगर मतलब आप अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग का, तो आपको जो इसमें बिल्कुल भी फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है, मतलब इसमें आपको जो है कुछ भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग, जो एंजल बुकिंग का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स देखने को मिल जाता है और बाकी जो 20 रुपीज मिलता है। एंड आपका जो है डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, आपका नाम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो डालना पड़ेगा, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको रखना पड़ेगा, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस एंड बैंक एड्रेस का डिटेल्स देना पड़ेगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है अगर आप यहां से अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों। तो एंजल बुकिंग का जो कि बोल सकते हैं कि बहुत ही पुराना कंपनी है और बहुत सारे इन लोगों के कस्टमर बेस है, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, रोबस्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म से 25 इयर्स का इन लोगों का एक्सपीरियंस है, सिमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 10 मिलियन के ऊपर जो है रजिस्टर्ड इन लोगों का, 10 मिलियन के ऊपर रजिस्टर्ड इन लोगों का क्लाइंट्स है, 16,000 प्लस ऑथराइज्ड इन लोगों का पर्सन है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, जरूर एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी वापस हम लोग जो शेयर्स के बारे में है उसके बारे में बात। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस पावर, रिलायंस पावर का अगर बात करते हैं दोस्तों, रिलायंस पावर का शेयर लगभग 13-14 रुपए के पास पहुंचा था। तो बहुत बड़ा मोड बताया था कि शेयर रिलायंस पावर का देख लीजिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है एडीजी के शेयर्स में, एडीजी के शेयर्स में रिलायंस नेवल भी था। अगर देखते हैं तो एडीजी के शेयर्स में जो रिलायंस नेवल भी था, जिसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, अगर आपने शेयर 1.5-2 रुपए के आसपास लिया है तो रिलायंस नेवल जो कि अभी एडीजी का शेयर नहीं है, इन्होंने इसको जो है दूसरे किसी ने खरीद लिया है। रिलायंस कम्युनिकेशन का जो बोल सकते कि एक अपडेट है, जो एसेट मोनेटाइजेशन उसको लेकर कुछ अपडेट फिलहाल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये दो ऐसे कंपनी एडीजी ग्रुप का जो बीच बीच में एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देता है। फिलहाल अगर बात करते हैं 6 महीने के अंदर रिलायंस पावर ने 11.90% का गिरावट दिखाया, 1 मंथ के अंदर 10.48% का गिरावट दिखा, एंड 5 डेज के अंदर 13.95% का गिरावट दिखा, 1 डे के अंदर ये शेयर 0.64% का गिरावट दिखाया है। एंड वही बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा का, तो देखिए रिलायंस इंफ्रा को लेके जो कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि जहां पे एल अंबानी जी अच्छा खासा एक अमाउंट मिलने वाला था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शेयर जो है अभी तेजी दिखाएगा, फिर भी स्टॉक में गिरावट बन रहा। तो अभी मार्केट में जो है अभी हर एक शेयर्स में गिरावट बन रहा है, तो दिग्गजों का मानना है कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट बन रहा है और भी ज्यादा गिरावट बन सकता है। इसलिए क्या होता है जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं उसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन रखिए। अगर शेयर गिरावट बनता है और अच्छा कंपनी मतलब फंडामेंटली अगर एक स्ट्रांग कंपनी है और अगर आपने उसमें शेयर लिया है गिरावट बनता है तो कोई बात नहीं, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और गिरावट पे बनता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो ठीक है, अगर आप मतलब उसमें जो गिरावट बनता है तब लेना चाहिए, और ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जो मतलब आपको समझना चाहिए, जैसे कि एडीजी ग्रुप के शेयर्स में। ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको हम लोग जो कि एडीजी ग्रुप में जो है आपको खरीदारी करना है शेयर्स में या फिर बेचना है। फिलहाल एडीजी ग्रुप में जो एक गिरावट बन रहा है, तो अगर आप अभी शेयर खरीदते हैं तो बहुत ही सोच समझ के शेयर खरीदना चाहिए जो हमें लगता है एडीजी ग्रुप के शेयर्स का। और किसके पास शेयर्स है दोस्तों, तो होल्ड अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है एडीजी ग्रुप के वो रखने की कोशिश कीजिए शेयर्स को लेकर। और 6 महीने के अंदर यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का 2.88% का गिराव जो है तेजी बनता हुआ दिखा, 1 मंथ के अंदर 10.08% का जो है गिरावट दिखा, 5 डेज के अंदर रिलायंस इंफ्रा शेयर 6.92% का गिरावट दिखा, 1 डे के अंदर 4.34% का गिरावट बनाया है। तो अभी देखिए जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो है उसका एसेट मोनेटाइजेशन पहले अपडेट आ रहा था कि मुकेश अंबानी जी और एक कोई तो कंपनी है, वो दो कंपनी मिलकर जो है रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट वगैरह खरीदेगा। तो और स्पेक्ट्रम का भी बहुत सारा इश्यूज है रिलायंस कम्युनिकेशन का, बट उसको लेकर अभी तक जो है कुछ ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिला कि रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स को कौन खरीद रहा है। अभी आता है रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस दोस्तों बहुत दिन से चल रहा है। रिलायंस कैपिटल ने जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है रिलायंस कैपिटल के शेयर्स में। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर जो है यहाँ पे खरीदारी भी किया रहेगा, क्योंकि अगर देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल का अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है, जैसे कि रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बताया गया था कोई चाहे तो उसका क्लस्टर्स भी खरीद सकता है, मतलब जो सब्सिडरीज है।
तो सब्सिडियरीज भी कोई खरीदता है या फिर रिलायंस कैपिटल को कोई खरीदता है तो उसमें हो सकता है कि एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले इन्वेस्टर्स को। देखने को मिल रहा है कि रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है उसको लेके भी कुछ अपडेट अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एडीजी ग्रुप के जो शेयर है, अगर देखते हैं अभी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये सब शेयर्स को लेकर अभी क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर